एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो के अंदर हम सेम थ्री का रोमांटिक लिटरेचर करने वाले हैं। इसके अंदर हम पोम करेंगे ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। आज ही चले जान लेते हैं पहले जॉन कीट्स के बारे में। ये अपने आप आंसर शीट में लिखेंगे तो ज़्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं इससे। जैसे जॉन कीट्स थे, वो सन थे एक स्टेबल ओनर के, और उनकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो पुअर थे और उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था जब वो यंग एज में थे। फिर भी इसी टाइम पे उन्होंने मैनेज कर लिया था कि वो सबसे मोस्ट लव पोएट रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और परफेक्ट एग्जांपल रहे हैं रोमांटिज्म के, और वो बेस्ट नोन हैं अपने ओड्स और पोएट्री के। उनके कुछ यहाँ पे फेमस वर्क्स हैं जैसे कि ओडे टू नाइटिंगेल, ओडियन, ऑटम, हाइपरियन, ये कुछ उनके फेमस पोम्स हैं। चलिए हम पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं हम किसके बारे में पढ़ने वाले। जैसे हमने टॉपिक देख लिया, टॉपिक है अर्न के बारे में, तो इसके अंदर हम अर्न के ऊपर जो पिक्स लगी हुई है उसके बारे में हमें बताते हैं हमारे पोएट की क्या क्या डेकोरेटेड सीन्स लगे हैं, जैसे कि म्यूजिक के, लव के, सैक्रीफाइस के, और ये दिखाते हैं कि एक अर्न इतना ब्यूटिफुल, इतना अच्छा कैप्चर करते हैं मोमेंट और हमें सोचने में मजबूर करता है। क्या सोचने में मजबूर करता है, क्या दिखाता है, हम ये पोम के आगे पढ़ते हैं। और अभी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं स्टैंजा वन से। तो फर्स्ट लाइन में कुछ ऐसे बोलते हैं, दो स्टिल अनरैविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तुम ब्राइड हो क्वाइटनेस की। अनरैविस्ड यानी जिनकी, जिन ब्राइड की शादी हो जाती है और उनके हस्बैंड ने अभी तक उनको टच नहीं किया हुआ, तो ये उनकी वाइफ है क्वाइटनेस की। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तुम फॉस्टर चाइल्ड हो साइलेंस और स्लो टाइम का। मतलब फॉस्टर चाइल्ड यानी कि मतलब जिसको अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड, मतलब तुम साइलेंस और स्लो टाइम का फॉस्टर चाइल्ड हो। ये भी अर्न को ही बोली गई है बात। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, सिल्विन हिस्टोरियन हु कैंस दस एक्सप्रेस। तो इसे एक हिस्टोरियन की तरह रेफर किया गया है जो एक स्टोरीज बता रहा है अपनी आर्ट से। हिस्टोरियन का एक आर्ट होता है, मतलब हर जगह की स्टोरी तो ना, वैसे ही ये अर्न जो है एक हिस्टोरियन है जो अपनी आर्ट से हमें क्या दिखा रहा है, स्टोरीज, अपनी स्टोरीज बता रहा है। अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम। तो एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी बता रहा है दैन जो उनकी खुद की जो राइम्स होती हैं उनसे भी ब्यूटीफुल पोइट्री ये जो अर्न है ये शो कर सकता है हमें। नेक्स्ट लाइन आके देखते हैं, व्हाट लीव फिंच लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप। अब जो हमारे पोएट हैं वो अब देख रहे हैं क्या स्टोरीज, क्या लेजेंड्स डिपिक्ट हो रखी है इस अर्न पे, क्या आर्ट वर्क दिख रहा है इस अर्न पे, अब वो ये देख रहे हैं। ऑफ डाइटीज और मॉडल्स और बोथ, ये भगवान की हैं या ह्यूमंस की हैं या दोनों की हैं, किसकी है ये। व्हाट मेडन्स लोथ, व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, व्हाट पाइप्स एंड टिम्बल्स, व्हाट वाइल्ड एस्ट की। तो इस पिक्चर में दिख रहा है एक पिक्चर में कि एक गैंग ऑफ मेन है, वो वेमेन को चेज कर रहे हैं वाइल्डली, और उसी जंगल में कोई बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये दो सीन्स इसमें देखने को हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैरा समाप्त होता है, नेक्स्ट स्टैंजा पे जाता है स्टैंजा नंबर टू। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड। तो यहाँ शुरू होता है हमारा सेकेंड स्टैंजा, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड। तो बोलते हैं जो मेलोडी मैं सुनता हूँ वो स्वीट है बट जो मैं नहीं सुनता हूँ वो क्या। नेक्स्ट लाइन्स में बोलते हैं, आर स्वीटर दे फोर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। और बताते हैं कैसे उस अर्न पर म्यूजिक को सुन पा रहे हैं, नॉट टू सेंसुअल ईयर बट मोर ईयर। बोलते हैं मैं अपने कानों से नहीं बट कैसे सुन पा रहा हूँ, पाइप टू स्पिरिट टाइटीज ऑफ नो टोन। मैं अपनी स्पिरिट से सुन सकता हूँ, मैं उसको फील कर सकता हूँ, जो म्यूजिक उस अर्न पे बज रहा है मैं उसको अपनी सोल से पूरा अच्छे से फीलिंग ले सकता हूँ। फेयर यूथ बीनीथ द ट्री तो कैन ऑल नॉट लीव। तो बोलते हैं अब नेक्स्ट सीन दिखा रहे हैं,
एक यूथ है, एक यंग मैन है, वो अपने लवर के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जितने भी पेड़ हैं उसके आसपास है, और वो एक पाइप बजा रहा है। तो इधर नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर। तो बोलते हैं ये जो ट्रीज है और ये सॉन्ग है, कभी भी रुक नहीं सकता, ना ही कभी ट्रीज में जो पेड़ के जो पत्ते हैं ये झड़ेंगे, ना ही तुम्हारा सॉन्ग कभी रुकेगा, क्योंकि ये एक फ्रोजन सीन है, ये इधर का उधर नहीं हो सकता, जैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सीनरी बनी हुई है उस अर्थ पे। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस दो किस, और जो लवर है वो अपनी बेलव को किस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फ्रोजन सीन है। दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। तो बोलते हैं बस वो अपने गोल के पास है, जो पर हम देख रहे थे जो मेन वुमेन को चेस कर रहे, वो बस अपने गोल के पास है, वो अचीव नहीं कर पा रहे, उनको निराश नहीं होना चाहिए। शी के नॉट फेड दो दो हैज नॉट टाइप लेस। तो बोलते हैं जो हमारे बिलव्ड हैं ये तो हमेशा सुंदर ही रहेंगी, तुम उनको कैसे भी देखते हो हम उनको हमेशा सुंदर ही देख सकते हो, बट तुम उनको अटेन नहीं कर सकते, तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। फॉर एवर विल दो लव एंड शी बी फेयर। वो तुम्हारी हमेशा लवर ही रहेगी, हमेशा तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल ही रहेगी, और ऐसी सीन चलती रहेगी। और यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टैंजा भी ख़त्म होता है, नेक्स्ट स्टैंजा पे जाते हैं। तो इधर बोलते हैं आ हैप्पी हैप्पी बोल्स दैट के नॉट शेड। तो बोलते हैं तुम खुश रहो पेड़ के, तुम्हारी जो ब्रांचेस हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी, कभी भी उनमें जो लीव्स हैं कभी झड़ेंगे नहीं, हमेशा वो स्प्रिंग की स्टेट में रहेंगी। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू। अड्यू मतलब बाय बाय कभी नहीं बोलेंगी स्प्रिंग को, हमेशा वो वैसे की वैसे रहेंगे। एंड हैप्पी मेलोडियस अनवेरिड। और ये जो बर्ड है जो अर्न पे बनी हुई है, हमेशा ऐसे ही चहचहाती रहेंगी, अपना जॉयफुल सॉन्ग गाती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो सीनरी है ये ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। और हमेशा ये जो सॉन्ग है ये फ्रेश और न्यू वैसे का वैसे रहेगा जैसे स्टार्टिंग में था, जैसी उसकी मेलोडी अच्छी लग रही थी सोल को, वैसे ही लास्ट तक उसकी मेलोडी अच्छी लगती रहेगी सोल को। मोर हैप्पी लव मोर हैप्पी हैप्पी लव। और बोलते हैं जो लवर हैप्पी हैं वो वैसे के वैसे हैप्पी रहेंगे, और इनमें कोई सैड होएगा ही नहीं। फॉर एवर वॉमेन स्टिल टू बी इंजॉयड। जो लव है वो उसका पैशन वैसे का वैसे रहेगा, एंडलेस रहेगा, कोई ब्रेकअप वगैरह होगा नहीं, वैसे का वैसे ही दूसरे के लिए लवर्स को रहेगा प्यार। फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग। जो लड़के भाग रहे थे वो वैसे ही थकते रहेंगे और यंग रहेंगे। जो ब्यूटी है वो कभी भी कम नहीं होगी इस पेंटिंग की, क्योंकि ये फ्रोजन है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फार अबव। और जो लव डिपिक्ट कर रहे हैं वो सारे ह्यूमन पैशन से हमेशा अलग ही रहने वाला है। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरफुल एंड क्लॉयड। मतलब जैसे मॉर्टल लाइफ, जैसे हमारी मॉर्टल लाइफ रहती है, तो हमें सोरो भी फील होता है, हमारा हार्ट ब्रेक भी होता है, ब्रेकअप भी होता है, बट अर्थ में हमेशा ही वो लोग खुश रहेंगे, कोई ब्रेकअप नहीं होगा, हार्ट ब्रेक नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, सब खुश रहेंगे। अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। तो बोलते हैं जो सिम्टम्स हैं डिजायर के और सफरिंग के वो एब्सेंट रहेंगे, सब खुश रहेंगे, जॉयफुल रहेगा, तो सब अच्छा है इस अर्न में। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे एक नया चीज़ बताएंगे, एक नया सीन बताएंगे हमें हमारे पोएट, क्या वो देखते हैं। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। कि अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पीकर के, कोई लोग आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आ रहे हैं, कोई रिचुअल ऐसा कुछ सेक्रीफाइस करने। टू वॉट ग्रीन ऑल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। तो एक प्रीस्ट और एक ऑल्टर आ रहे हैं उस अर्थ में, बट अभी भी उनका पर जो पर्पस है वो मिस्टीरियस है, तभी अनफोल्ड नहीं हुआ है क्या पर्पस से वो लोग आ रहे हैं। लीड्स दो दैट हाई फॉर लोइंग एट द स्काईज। हाइफर यानी काओ। अब बताते हैं जो प्रीस्ट है वो हाइफर को ऑल्टर के पास, मतलब चर्च वहाँ पे लेके जा रहा है जहाँ पे उसका
बलिदान होने वाला है और स्पीकर बोलता है कैसा एक्ट होने वाला है, उनको समझ नहीं आ रहा। एंड हर सिल्कन प्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, तो बोलते हैं जो उसके सिल्क पे उसको मतलब पहनाया जा रहा है उसे गार्लैंड, और वो रो रही है, उसका सैक्रिफाइस होने वाला है। और पोएट को लग रहा है कि कोई फेस्टिविटी सीन बन रहा है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, अब इधर वो लोकेशन के बारे में बता रहे हैं जो टाउन उसके आसपास है, जो पास में जो टाउन बना हुआ है उसके उसके बारे में। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, तो अब वो बोल रहे हैं जो टाउन है ये कोस्ट में भी हो सकता है, रिवर में भी हो सकता है, माउंटेन के यहाँ पे भी हो सकता है, बट उसकी बहुत पीसफुल सिटाडेल है, बहुत पीसफुल जगह है। इज एम्प्टीड ऑफ इट्स फोक दिस पायस मून, तो बोलते हैं अब ये जो लोग हैं इन लोगों ने टाउन छोड़ दिया है, ये सब जा रहे हैं ये रिचुअल देखने जो डिपिक्ट हो रखा है इस अर्न में। एंड लिटिल टाउन डाई स्ट्रीट फॉर एवर मोर, अब ये जो हमारा टाउन है ये ऐसी एम्प्टी रहेगा क्योंकि फ्रोजन आर्ट वर्क अर्न पे लगा हुआ है, वैसे का वैसे एम्प्टी रहेगा। विल बी साइलेंट एंड नॉट अ सोल टू टेल, और साइलेंट रहेगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी और कोई भी उसको हिस्ट्री नहीं बताएगा, स्टोरीज नहीं बताएगा कि टाउन में क्या हुआ, कब क्या हो रहा है। वाई दो आर्ट डेसोलेट कैन एवर रिटर्न, और ये जो टाउन का अकेलापन है ये कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा, ऐसा का ऐसा बैरन रहेगा ये टाउन। अब अपनी नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं, हमारा लास्ट स्टैंजा, और इसके बाद थीम्स हम करने वाले, बने रहिए वीडियो में आगे तक। वो एटिक शेप फेयर एटीट्यूड, अब इधर प्रेज करें आर्टिस्ट्री जो डिपिक्टेड है इस अर्न पे, विद ब्रीड ऑफ मार्बल मेन एंड मीडियंस ओवर रॉट, मेन तो पता ही है मेडन मतलब विमेन, वो बोलते हैं अर्न के ऊपर ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक वर्क पे मेन और विमेन बने हुए हैं, विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रॉडन वीड्स। रिक्वायर्ड चीज मुझे चेंज करना था, ये स्टैंजा 4 नहीं है, ये स्टैंजा 5 है हमारा, ये याद रखना, फिर हमारा स्टैंजा 5 ये चल रहा है। तो इधर बोलते हैं विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रॉडन वीट, मतलब कि ये जो इमेज है ये तुम्हें पेचीदा बना रही है। दो साइलेंट फॉर्म दोस टीज अस आउट ऑफ थॉट, मतलब ये जो तुम्हारा अर्न है इसमें साइलेंट और अनचेंजिंग चैलेंजेस है, हमें ये एक सोच में पड़ जाते हैं देखिए क्या बन रहा है। हम अलग अलग स्टोरीज अपने आप ही देखते रहते हैं कि ये हो गया होगा, ऐसे होगा, तो हम अपने आप उसकी मिस्ट्रीज अनरिवील करते रहते हैं। तो लास्ट लाइन्स इधर आ गए हमारे ये लास्ट स्टैंजा की, शी के नॉट फेड दो हैज नॉट डाई ब्लिस फॉर एवर विल दो लव एंड शी बी फेयर, तो फेमस लाइन की इन सब लाइन्स का मीनिंग है कि जो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, ट्रुथ ही ब्यूटी है और ब्यूटी ही ट्रुथ रहता है, मतलब कि ये जो आर्ट है ये कभी चेंज नहीं होगा, इसकी सच्चाई कभी बदलेगी नहीं, ये ऐसा का ऐसा फ्रोजन स्टेट में रहेगा। और यहाँ पे हमारी ये वाली पोम खत्म होती है। तो बने रहे थीम्स से, कहते हैं क्या क्या है, आर्ट एंड एस्थेटिक, कि कीट्स यूज करता है आर्ट एक सिंबल दिखाने के लिए, इटर्नल ब्यूटी इमेजरी सीन्स दिखाता है, इमॉर्टल डिपिक्ट करता है थ्रू आर्ट अपनी पोम में। टाइम एंड इमोर्टैलिटी, क्या जो हमारे चीजें इस पर डिपिक्ट हैं वो इमोर्टल है, वो फ्रोजन स्टेट में, वो कभी भी हिल नहीं सकती, तो ये एक्सप्लोरेशन है इमोर्टैलिटी के इस आर्ट पे, और हमें ये थिंक करने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या होने वाला है, चेंजेस क्या होने वाले हैं आगे। नेक्स्ट पे आते हैं ब्यूटी एंड ट्रुथ, हम एक ब्यूटी को एक ब्यूटीफुल आर्ट से दिख सकते हैं, हमें इतनी अच्छी ब्यूटी एक सिंपल सी आर्ट दिखा रही है, और हमें ट्रुथ ही बता रही है, सोसाइटी के ट्रुथ बता रही है कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, और ये आर्ट एक फॉर्म करती है ट्रुथ जो लिमिटेशन से बताती है रियलिटी के, कि रियलिटी में ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और यहाँ तक देखे रहे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए देना। अगर आपको PDF चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, और कुछ भी समझ नहीं आता तो आप जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।